हेलो फ्रेंड्स आज हम VBT के अंदर का जो कंसेप्ट है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट उसके अंदर एक हम एग्जांपल लेते हैं जो पोली एटोमिक मॉलिक्यूल है पोली एटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि जो दो से ज्यादा एटम का बना होता है वैसा मॉलिक्यूल उसका एक एग्जांपल एक है सी एच फोर यानी कि मिथेन हम लोग बोलते हैं अब ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट जो वी का एक पार्ट है उससे हम सीएच फोर मॉलिक्यूल बनाएंगे कि एग्जेक्टली सी एच फोर बनेगा कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा तो उसके लिए सबसे पहले हमको कार्बन जो सिक्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन लिखनी पड़ेगी तो कार्बन सिक्स उसके अंदर सबसे पहले वन एस फिर टू एस और टू पी के तीन ऑर्बिटल्स टू पी एस टू पी वाई टू पी जेड अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरेलियम बोरॉन कार्बन ओके नाउ अब कार्बन के साथ यहां पे चार पार्टनर आ रहे हैं पार्टनरशिप करने के लिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं चार हाइड्रोजन तो कार्बन क्या बोलेगा अभी मेरी शेल यानी कि जो 2s और 2p है उसके अंदर टोटल फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी दो ही अनपेड है ये कपल में ये पेड अप है तो फिर यहां पे जैसे ही हाइड्रोजन नजदीक आते हैं वैसे कार्बन थोड़ा सा एक्साइट होगा और कार्बन क्या करेगा 2s में से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के अपनी स्पिन चेंज करवा के कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड टू पी एक्स टू पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जेड यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी जो क्या बोलती है कि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर तो यहां पे वैलेंस शेल में टोटल फोर इलेक्ट्रॉन हो गए हैविंग इक्वल स्पिन और हर एक की जो स्पिन है वो सेम रहेगी नाउ अब क्या रहेगा अब क्या होगा कार्बन के अंदर अब मैं उसको ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूं एटम के अंदर सपोज ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर सबसे नियरेस्ट एरिया जिसको बोलते हैं वन एस है. ना उसके बाद 2s थोड़ा सा बड़ा एरिया रहे, रहेगा दूर रहेगा ना 2px सपोज x एक्सिस के ऊपर डम्बेल डम्बेल ऑन y एक्सिस एंड डम्बेल ऑन z एक्सिस 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेरिकल शेप में कहीं भी भी घूम सकता है क्योंकि s ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप है 2px कंपलसरी x एक्सिस के अंदर घूमेगा, डम्बेल शेप के अंदर 2py एंड 2pz तो ये जो है वो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है फिर से बता दो एक्साइटेड स्टेट कैसे अचीव होता है जैसे ही हाइड्रोजन आता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके टोटल कितने हाइड्रोजन आएंगे चार तो वो वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और कार्बन के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा और वो रिपल्सन फोर्स से जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी से ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से कहां पे चला जाएगा 2p z के अंदर यानी कि कार्बन की जो वैलेंस है, उसके अंदर फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी अनपेड इलेक्ट्रॉन नाउ तो ये एक्साइडेड स्टेट ऑफ कार्बन है उसका डायग्राम है अब सामने चार हाइड्रोजन आएंगे एक हाइड्रोजन वो x एकस एक्सिस के ऊपर से आएगा क्योंकि उसको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा यानी कि एक बॉन्ड फॉर्म हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर नाउ अब दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो सपोज वाइ एक्सिस के से आएगा। और उसको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर घूम रहा है तो टू पी वाई ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की वनबीटल उसके बीच में ओवरलैपिंग होगा यानी कि एक बॉन्ड एक्स एक्सिस के ऊपर बना था दूसरा बॉन्ड वाई एक्सिस के ऊपर बना और तीसरा हाइड्रोजन आएगा जेड एक्सिस के ऊपर से और Z एक्सिस के ऊपर भी थर्ड बॉन्ड फॉर्म हो गया और जो फोर्थ बॉन्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी हर एक डायरेक्शन के अंदर रीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये 2s वाला है और जो टू एस का इलेक्ट्रॉन यानी कि कार्बन की 2s एस और हाइड्रोजन की 1s ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा यानी कि ये बॉन्ड अभी मैंने ड्रॉ यहां पे किया है लेकिन लेकिन कोई भी डायरेक्शन में से ये बॉन्ड फॉर्म हो सकता है क्योंकि दोनों का स्पेरिकल शेप है इसलिए यानी कि कार्बन के टोटल चार बॉन्ड हो गए एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक वाई एक्सिस के ऊपर और एक जेड एक्सिस के ऊपर और जो फोर्थ है, वो कोई भी डायरेक्शन में से बन सकता है यानी कि हमको मिल गया सी एच फोर सी एच फोर यानी कि मिथेन मॉलिक्यूल ओके फ्रेंड्स तो ये जो कंसेप्ट है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट उसके अंदर एक जो एटम है सेंट्रल एटम उसकी जो ऑर्बिटल है भी उसके अंदर सामने वाली जो ऑर्बिटल है उसकी वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग होगा उसको बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट ओके फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा थैंक यू